जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। जब घरेलू एलपीजी की कीमतें बढ़ गई हैं, 14 किलो वाले सिलेंडर के दाम 50 रुपये और 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम 18 रुपये की वृद्धि हुई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि रसोई गैस के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, यह जनता के साथ अन्याय है, जनता के साथ अत्याचार है। जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से रसोई गैस में 250 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं हम बता दें कि इस महंगाई के दौर पर छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है। रसोई गैस के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी जनता के साथ अन्याय है, जनता के साथ विश्वासघात है, जनता के ऊपर अत्याचार है। जब से देश में मोदी सरकार आई है उसने रसोई गैस के दाम पे लगभग 250 गुना की बढ़ोतरी की है। पिछले 2 महीने के अंदर में रसोई गैस के दाम पे 150 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो गई है। जो रसोई गैस मोदी सरकार के पहले 400 रुपये में मिलती थी, मोदी सरकार के आने के बाद अब उसकी कीमत लगभग 1150 से 1150 रुपये हो जाएगी।